Hello children, welcome to the next session of HTML, and today we are going to discuss some more tags of HTML. And today we are going to discuss our fifth tag, that is center tag. Okay, so what is the work of center tag? As the name suggested, it is used to centralize a text. It is used to centralize a text. क्या करता है? टेक्स्ट को पेज के सेंटर में लाने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है हम लोग को. ठीक है, इट इज अ कंटेनर टैग. ये एक कंटेनर टैग है. कैसे लिखेंगे? सिंटैक्स इसका सेंटर, जो आप जिस टेक्स्ट को अंदर बीच में लेना चाहते हैं उसको मिडिल में लिखेंगे, फिर सेंटर क्लोज. ओके, दिस इज हाउ द सेंटर टैग वर्क. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर टैग एंड देन ओनली विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके, द नेक्स्ट टैग इज द बेस फॉन्ट टैग. एंड द बेस फॉन्ट टैग इज यूज टू change the color, size and font, its style of the entire page. okay, but पूरा पेज का एक साथ उसका स्टाइल, कलर और टेक्स्ट क्या करता है? वो चेंज करता है. what are the font tag? attribute of base font tags are face, size and color. face attribute का काम क्या है? used to give font style, means टेक्स्ट को स्टाइल देता है. which style आप लोग उसको लिखना चाहते हैं? like Algerian, etc. साइज, इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन नंबर, नंबर में हम लोग उसको देंगे. कलर, यूज टू गिव द फॉन्ट कलर टू स्पेसिफिक टेक्स्ट. बट बेस फॉन्ट का काम क्या है? वो पूरा पेज का ही क्या करेगा? वो चेंज कर देता है टेक्स्ट, कलर, साइज एंड एटसेट्रा. बट सपोज विद इन द पेज, सपोज एक ही वर्ड का मुझे चेंज करना है, एक ही वर्ड का सपोज मुझे चेंज करना है, या एक दो वर्ड का मुझे चेंज करना है, पूरा पेज का नहीं चेंज करना, देन वॉट विल आई डू? फॉर दैट आई हैव टू यूज द one tag, that is font tag. base font नहीं use करके क्या करेंगे? font tag use करेंगे. so this tag is used to change the style, size and color of the specific text. text particular text का, पूरा entire page का नहीं करके particular text का वो क्या करता है? colors change करता है. as attribute are same, face, size and color. face change the style, size specifies the size, number by number. color used to give the font color. And its syntax is also same. Font, face, Algerian, size, whatever text you want to write here, your text, then font, close. Base font, हम लोग एम टी भी छोड़ सकते हैं और लास्ट में बेस्ट फॉन्ट भी क्लोज कर सकते हैं. दैट इज नॉट नेसेसरी. ओके, सो डू इट नाउ. विल गोइंग टू सी ऑल दिस टेक्स्ट प्रैक्टिकली, हाउ दिस वर्क. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू ओपन अ व्हाट, नोट पैड. So our first tag is HTML. Then our next tag is what? Our next tag is head. Within this we have the title. Suppose title is my page here. Then title close. Then head close. After that we are going to open body. I am going to give the bg color of the body as light blue. You can give any other color, whatever you like. Okay, then suppose I am writing the text html. First line, next I am going to write is HTML stands for hypertext markup language. Done. Then I'm going to write one more line. It helps us to create web pages. Understood. Suppose this na itna line hum log likh rahe hain, but hum log ko break dena padega, otherwise it will come in a single line. So here I'm giving the break tag. Done. And again I'm going to use a break over here for the next line. Again I'm here going to use a break. Done. Then here I'm going to close the body. Then here I'm going to close the HTML. Done. इसको मैं फिर उसके बाद मुझे बेस फॉन्ट यूज करना है. मैंने क्या बोला था? एंटायर पेज का जो टेक्स्ट है, तो मेरा टेक्स्ट पूरा ये है, तो मुझे सबको करना है. तो हियर आई एम गोइंग टू यूज माय बेस फॉन्ट टैग.
बेस फॉन्ट विदाउट एनी स्पेस. ओके अंडरस्टूड. बेस फॉन्ट यहाँ उसके बाद हमारा क्या था, फेस था. एफ ए सी फेस याद रखना, मुंह फेस, योर फेस. ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग उसका स्टाइल चेंज करते हैं. सपोज हम लोग उसका कुछ भी हम लोग उसका स्टाइल दे सकते हैं. सपोज एरियल देंगे हम लोग, एरियल. देन टेक्स्ट मैं दे रही हूँ कलर. सपोज मैं उसका कलर रेड देना चाहती हूँ. देन मैं उसका साइज दे रही हूँ. सपोज हियर साइज इज इक्वल टू, सपोज मैंने दिया 7. देन अभी हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं. पहले मैं बोली थी एक सेंटर टैग आप लोगों को पढ़ाई थी. सपोज मैं HTML को सेंटर में लेना चाहती हूँ. सेंटर HTML सेंटर क्लोज, जहां जिसको लेना है बस उतना ही लिखने हैं हम लोग को. ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे सेंटर टैग. टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है, पहला जो हेडिंग था टेक्स्ट को, तो इसीलिए मैं इसको वहां पे लिखी. डन. अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं. फाइल सेव एज बी डॉट, व्हाट इज द एक्सटेंशन, HTML. ओके देन सेव. नाउ वी आर गोइंग टू ओपन आवर फाइल. लेट्स सी, हियर इट इज. ये तो नहीं है, ये है, हम देखते हैं एक सेकंड. हाँ देखो, टेक्स्ट के साथ कंपेयर करते हैं. ये था हमारा टेक्स्ट कोड और ये हमारा आउटपुट. देखो यहाँ पे, तो जो भी हम लोगों ने लिखा था बेस फॉन्ट, वॉट एवर टेक्स्ट आर देयर विद इन द पेज, एवरीथिंग विल कम इन फेस एरियल स्टाइल एंड इट्स कलर इज रेड एंड इट्स साइज इज 7. एंड HTML, जस्ट HTML इज इन सेंटर, बिकॉज HTML को यहाँ पे सेंटर पे मैंने ये कोड यूज किया हुआ था, इसीलिए वो सेंटर में आया. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी सम, बट ब्रेक नहीं आया हमारा, क्या आया कि नहीं आया है देखते हैं. आया है, ठीक है. नेक्स्ट, सपोज आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दिस वन आई वॉन्ट टू हाईलाइट ओनली दिस वन. सो विच टैग आई विल बी यूज, आई यूज द फॉन्ट टैग, आई यूज द फॉन्ट टैग. सो आई एम गोइंग टू मैक्सिमाइज दिस एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज सी. कहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, जिस टैग चाहिए, जो टेक्स्ट मुझे चाहिए उस टेक्स्ट में ही मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ. इसके आगे तो मैं फॉन्ट स्टार्ट करूंगी. ओके, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू अल्जेरियन में अगर यूज करना चाहती हूँ, देन कलर इज इक्वल टू, सपोज आई एम गोइंग टू यूज ब्लू, देन साइज इज सपोज आई एम गोइंग टू गिव 10. ओके, हियर आई एम गोइंग टू क्लोज बिकॉज ओनली दिस मच टेक्स्ट आई वॉन्ट टू मेक हाईलाइटेड इन दिस कलर साइज एंड फेस. And I'm going to close this font tag. Done. देखो मैंने ये इसको ठीक से देखो, जिस टेक्स्ट को मुझे करना था, पर्टिकुलर टेक्स्ट को, उसको ही मैंने फंट के अंदर रखा है. फंट फेस अल्जेरियन कलर ब्लू साइज 10. फिर यहाँ पे मुझे बस किसको करना था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को करना था. उसके बाद मैंने फंट क्लोज कर दिया, उसको छोड़ा नहीं, नहीं तो नीचे जो भी है सब उसी में आ जाता. मुझे इतना को ही करना था. ठीक है, तो उसको I'm going to save this file. Save. Now I'm going to open my browser. I'm going to refresh it and see the output. See, जिसको ही मैंने बस फ्रंट में रखा था वो ही क्या हुआ, उसमें आया. समझ में आ गया तुम लोग को, क्लियर हो गया चीज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टैग. ओके, सो नेक्स्ट वन इज HR टैग. An HR tag is used to give horizontal rule. Horizontal rule मतलब horizontal line. हमारे पेज में हम लोग क्या देंगे, horizontal line देंगे. So what are the attribute of HR tag? Size, width, no shade and color.
साइज क्या करेगा, इट विल स्पेसिफाई द साइज ऑफ द रूलर, लाइन का साइज बताएगा कितना पिक्सल वो कवर करेगा, देन विड्थ मतलब कितना लॉन्ग होगा विड्थ में. ओके, हम लोग उसको क्या करेंगे, परसेंटेज में आएगा वो, 50% ऑफ द स्क्रीन और टोटल 30% ऑफ द स्क्रीन और 20% ऑफ द स्क्रीन इट विल कवर. देन नो शेड एट्रीब्यूट विल शो यू 3D line ruler display. Okay, mean suppose हम लोग suppose we are using no shade, then it will show you 2D line. But if we are not using this no shade attribute, then it will show you the 2D line. Okay, then color, color of the ruler. So हम लोग इसको ऐसे normally पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, हम लोग practically उसको देखते हैं. So we are going to open our notepad. Here it is, and here I am going to यूज दिस एच आर. पहले बस एच आर यूज करते हैं, नेक्स्ट उसमें एट्रीब्यूट में यूज करते हैं. यहाँ पे एच आर, एच आर सपोज साइज, साइज इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू सपोज साइज इज 8 एंड इट्स विड्थ इज इक्वल टू 50%, 50%, देन हियर आई एम गोइंग टू यूज नो शेड. अंडरस्टूड, नो शेड, बस नो शेड में नो शेड ही लिखना है उसको, उसमें वैल्यू कुछ नहीं है, उसको बस नो शेड लिखेंगे तो वो 2D में आएगा. अगर नो शेड नहीं निकल लिखते हैं तो वो 3D में आएगा. सो नाउ गोइंग टू ओपन आर ब्राउजर, देन आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, देन यू कैन सी द लाइन. कैन यू सी दिस वन, अपर वन, दिस इज शोइंग द नॉर्मल एच आर लाइन, अ हॉरिजेंटल लाइन, बट हियर आई हैव गिवन 50%, देन आई हैव गिवन विड्थ. तो ये विड्थ दिखा रहा है, उसका विड्थ इतना यहाँ पे है, ये जो दिखा रहा है ना विड्थ, वो हमारा कितना पिक्सल्स है, जितना हमने उन्हें दिया हुआ है कितना पिक्सल्स है, 8 पिक्सल्स है. और ये जो 50% दिखा रहा है, मतलब ये टोटल क्या कर रहा है, 50% ऑफ द स्क्रीन वो कवर कर रहा है. ओके, एंड नो शेड दिया हुआ है तो वो क्या दिखाएगा, थोड़ा सा दिखा, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा उसका हाइट दिखेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये 3D लाइन शो करेगा. बट अगर हम लोग नो शेड यूज नहीं करते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे. पहले हम उसको क्या करते हैं, सेम चीज को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं. बस यहाँ पे 8 को हटा के हम लोग दे देते हैं अभी 10, ये 50 को हटा के दे देते हैं हम लोग 70%. नो शेड, सपोज नो शेड, नो शेड को वी आर गोइंग टू डिलीट दिस वन, देन वी आर गोइंग टू सेव दिस फाइल. सेव, मैंने सेव ऐसे शॉर्टकट यूज कर दिया था, देन रिफ्रेश इट, सी नो शेड देख सेकंड सेकंड. फाइल सेव, गोइंग टू रिफ्रेश दिस वन, क्या हो रहा है, बी अच्छा b1.html सेव. हमको बियान को अगर ओपन करते हैं हम लोग अभी, b1 फाइल नेम इज b1, हियर इट इज, क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने इसको डिलीट ही कर देती हूँ ना, मेरे ब्राउजर में गड़बड़ी आ रहा है. एच आर साइज इज इक्वल टू 10, विड्थ इज इक्वल टू सपोज 70%, डन, सेव, सेव द फाइल एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, वही आ रहा है. अगेन वन मोर लाइन, सपोज एच आर कलर देंगे, साइज इज इक्वल टू 12, विड्थ इज इक्वल टू सेम 70%, कलर इज इक्वल टू ब्लू सपोज, देन डन, सेव कर देते हैं इसको, फाइल सेव, इसको रिफ्रेश करो. देखिए यहाँ पे अनदर लाइन जो दिख रहा है, नो शेड यहाँ पे दिया गया है, कलर में ये गया है तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल ही दिखेगा. ये थोड़ा आउटपुट गड़बड़ आ रहा है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट आ रहा है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं.
फाइल को हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर लिया। इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया यहाँ पे हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल दिखा रहा है लाइन, एंड ये 3D में दिखाएगा, हाइट थोड़ा दिखाएगा, ये राइट नहीं दिखाएगा, सॉलिड लाइन दिखाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ एनी डाउट कमेंट बिलो, एंड इफ यू लाइक द सेशन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।